आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर के एक बड़ी अपडेट सबसे बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर दे दे कि प्राइमरी टीचर के लिए रिजर्व 25 परसेंट पदों में से खाली रह गए सीटों पर अब सीधी नियुक्ति की जाएगी जी हाँ आपको बता दें फाइनली जो है खाली रह गए सीटों पर अब सीधी नियुक्ति की जाएगी गुरुवार को विधानसभा के ध्यान आकर्षण समिति की मीटिंग में इस बाबत अनुशंसा किए जाने पर सहमति बन गई है इसके तहत प्राइमरी टीचर के लिए रिजर्व पदों में से खाली पदों पर वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जो सीधी प्रक्रिया से बहाली के लिए आए हैं वैसे कोई अभ्यर्थी जो कट ऑफ मार्क्स लाने में कामयाब रहा हो और बहाली की हर एलिजिबिलिटी को पूरा करता उसे खाली परी सीट में ज्वाइनिंग करने दिया जाए आपको बता दें ध्यान आकर्षण समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष दिनेश की अध्यक्षता में हुई वहीं लेनी होगी इसको लेकर के कानूनी सलाह जी हां आपको बता दें कि ध्यान आकर्षण समिति ने सीधी भर्ती से आए अभ्यर्थियों के पक्ष में अनुशंसा तो कर दी लेकिन विभाग चाहकर भी सीधे तौर पर अनुशंसा को लागू नहीं कर सकता है समिति की अनुशंसा के बाद विभाग मामले में कानूनी सलाह लेगा विभाग एजी या कोई ऐसी दूसरी संस्था जो कानूनी सलाह देने में सक्षम हो उसकी सलाह मांगेगा आपको बता दें दरअसल विभाग की तरफ से नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि पच्चीस फीसदी में से खाली पड़े सीट पर सीधी प्रक्रिया के, के तहत अभ्यर्थियों की बहाली हो जाएगी हालांकि इस बात का उल्लेख जो है नियुक्ति संबंधित नियमावली में है नियमावली में बात का उल्लेख होना और विज्ञापन में इस बात का उल्लेख न होना अपने आप में एक संशय का विषय है जिसे कानूनी सलाह लेकर सुलझाया जा सकता है कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो भी पीआरटी कोटे में सीटें खाली रह गई है इन सभी पच्चीस प्रतिशत सीटें जो पीआरटी कोटे में खाली रह गई है इन सीटों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी इसको लेकर के अब कानूनी सलाह लेना होगा क्योंकि नियमावली में तो ये तो उल्लेख है लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था इसमें यह कहीं भी उल्लेख नहीं है तो एक बड़ी खुशखबरी जिसे काउंसलिंग होने के बाद भी नहीं हो पाया है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद भी इसका फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष करके फिलहाल